चलिए दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नोवा ट्रिमर की अनबॉक्सिंग, जिसका मॉडल नंबर होने वाला है NS216। तो चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए। बॉक्स तो काफ़ी यूनिक है ही, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है नोवा NS216 इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर जो डिज़ाइन वगैरह इस प्रकार मिलता है, और साथ ही में ये चार्जिंग ट्रिमर है। मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल ट्रिमर, जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, जैसे कि यहाँ बॉक्स पर मेंशन है, ये सब ट्रिमर के साथ आपको मिलता है। नीचे लिखा हुआ है मेड इन चाइना, यहाँ यानी कि चाइना से इंपोर्ट होता है। गाइज यहाँ पर सिंपली करते हैं इसे अनबॉक्स और लाइव देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो इसकी लुक है वो काफ़ी ग्लोसी लुक में मिल जाता है। डब्बे करते हैं एक साइड, बॉक्स में जो एक्सेसरीज आती हैं वो भी देख लेते हैं। गाइज यहाँ पर सबसे पहले मिलता है हमको एक ऑयल की शीशी, जो कि बहुत ही छोटी है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइज इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा और क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है हमको एक कोंग यानी कि कंघा, इसको भी रखते हैं एक साइड में। और यहाँ पर मिलती है हमको एक पावर केबल, यानी कि इसे चार्जिंग करने के लिए ये केबल हमारे यूज में आती है। इसके अलावा इसकी लेंथ देख लेते हैं, कितनी लेंथ है इसकी। सो गाइज यहाँ पर लेंथ की बात कर जाए तो यहाँ पर 2 फुट के आसपास इसकी लेंथ हमको मिल जाती है। और गाइज यहाँ पर जो इसकी केबल है, एक नॉर्मली क्वालिटी की केबल हमको मिलती है, एक नॉर्मली है यानी कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक नॉर्मली बजट में हमको मिलती है। और गाइज यहाँ पर जो ट्रिमर है, इसकी जो लुक है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और साथ में हमको यहाँ पर मिला है एक ब्रश, यानी कि इसके दांते जो होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, यानी कि जो इसके ब्लेड होते हैं उनको साफ़ करने के लिए ये ब्रश दिया गया है। और यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी हैवी क्वालिटी हमको मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पर साथ ही में ट्रिमर की बात कर जाए तो ट्रिमर की जो लुक है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। गाइज यहाँ पर जो इसकी लुक है वो काफ़ी धांसू है, ग्लोसी लुक हमको यहाँ पर मिल जाती है। और पीछे की तरफ देखा जाए इस प्रकार की जानकारी हमको मिल जाती है। यहाँ पर एक कंघा और मिल जाता है, यानी कि इसके साथ दो कोम यानी दो कंघे फ्री मिलते हैं। और गाइज यहाँ पर जो इसके ब्लेड है वो काफ़ी शार्प हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेटल की क्वालिटी में ये ब्लेडों को बनाया गया है। और यहाँ पर मिल जाती है हमको एक चार्जिंग सेल, जो कि आप देख सकते हो येलो कलर की ये चार्जिंग सेल है। यहाँ पर इसे निकाल कर देखते हैं आखिर ये कितने वोल्ट की है। गाइज यहाँ पर मैंने इसे सिंपली निकाल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, बजट में ही है। और यहाँ पर ये 1.2 वोल्ट की बैटरी है, 600 मिली एम्पियर की बैटरी है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक नॉर्मली क्वालिटी की इसमें बैटरी हमको मिल जाती है। सो गाइज यहाँ पर इसे लगा देते हैं और यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं। अब इसको यूज करके देखते हैं आखिर ये कैसे काम करता है। सो गाइज यहाँ पर ये चल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइज मैं अपने हाथ पर ही इसे, हैंड पे ही इसे यूज करके देखता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मेरे हैंड पर बाल हैं, मैं इन्हें ही रिमूव करके देखता हूँ क्या इन्हें ट्रिम कर पा रही है या नहीं। दोस्तों ये जो ट्रिमर है ये बहुत ही आसानी से हमारे हेयर को ट्रिम कर पा रहा है, यानी कि कट कर पा रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कितने आसानी से इसने एक ही बार में कट कर दिया है। दोस्तों यदि आप भी इसे परचेस करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।